Hello everyone. Transformation rule number 5. Interchange of exclamatory and assertive sentences. Exclamatory sentence ko assertive sentence mein badalna aur assertive sentence ko exclamatory sentence mein badalna. Kaise hum sentences ko ek dusre mein convert kar sakte hain? Iske examples aur kuch rules ko main lekar aaya hu. सबसे पहले आप इसके एग्जांपल्स को देखें, किस टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह के होते हैं. तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है अलास. सबसे पहले आप देखें इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, फार्मूला नंबर 5 या मेथड नंबर 5. और इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा है अलास ही इज नो मोर. अलास क्या है? एक इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शन के वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और इंटरजेक्शंस होते हैं दुख व्यक्त करने वाले, प्रसन्नता व्यक्त करने वाले, शाबाशी व्यक्त करने वाले और आश्चर्य व्यक्त करने वाले, या और भी सेंसेस होते हैं. यानी इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो सेंस ही व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो उन सेंस से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस प्रयोग करके इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है. इसका एग्जाम्पल्स या इसका रूल आप देख सकते हैं. यहाँ देखिए, जैसे ये इंटरजेक्शन है तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले इंटरजेक्शन होगा, ये हो गया, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, ये फॉर्मेट तैयार होगा. तो ये इंटरजेक्शन जो होते हैं ये दुख व्यक्त करने वाले भी हो सकते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने वाले भी हो सकते हैं, शाबाशी वाले हो सकते हैं या आश्चर्य वाले भी हो सकते हैं. तो इसके लिए केवल इंटरजेक्शन के लिए जब आप असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव में इन इंटरजेक्शन के लिए इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ प्लेस या इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज. जो सेंस होगा इंटरजेक्शन का उससे रिलेटेड कोई एक फ्रेज प्रयोग करेंगे. उसके बाद दैट लगाकर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है उसी को लिख देंगे. जैसे आप एग्जाम्पल इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हल करते समय आप देखेंगे तो ये चूंकि अलास, अलास यानी दुख व्यक्त करता है, तो इसे आप लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सारो दैट. अब ये सेंटेंस आप इसी में ऐड कर देंगे, ही इज नो मोर, ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया. इसमें ये दूसरे नंबर का एग्जांपल है, इसको अलग देखेंगे, पहले आप इसको देख लें. यानी कैलाश के लिए इट इज मैटर ऑफ सारो डेट का प्रयोग किया गया, उसके बाद पूरा सेंटेंस सेट कर दिया गया. इसमें कुछ करना नहीं है, केवल यहाँ इंटरजेक्शन की सेंस के अनुसार आप ये इनमें से कोई या इसके अलावा भी सेंस हो सकता है, जो सेंस होगा आप उसके आधार पे इसी में एड कर लेंगे. इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज सैडनेस दैट, इट इज मैटर ऑफ सैडनेस, इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ या इट इज मैटर ऑफ डिलाइट, आनंद के लिए. यानी वर्ड्स चेंज करके फ्रेज इसी टाइप का बना के आप इस इंटरजेक्शन को अपने असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तब ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा. दूसरा इसका कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, और असर्टिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना होगा, जैसा कि मैंने यहां लगाया. ये हो गया आपका रूल नंबर 1. यानी इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आएगा, या हो सकता है कि ये आपको दिया हो, यानी असर्टिव के सेंटेंस दिए हो और उन्हें आपको एक्सक्लेमेटरी में बदलना हो, तो सेम फार्मूला शुड बी अप्लाइड, ये आपको ध्यान देना होगा. इसी तरह आप नेक्स्ट को देखें, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, यानी यहां पर ये व्हाट ए, तो ये कौन सा फार्मूला है? तो आप देखेंगे सेकेंड नंबर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, पहले व्हाट ए या हाउ लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वेरी या ग्रेट होगा, व्हाट ए और हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन होगा. तो इसमें आप देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट आप देखेंगे सब्जेक्ट आपने सबसे अंत में दिया है, और व्हाट ए के बाद ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है. तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, कंफ्यूज ना हो. तो अब आप यहां से बनाएंगे इसको तो हो जाएगा इट इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ए, फिर उसके बाद क्या, व्हाट ए की जगह वेरी,
उसके बाद ब्यूटीफुल और रोज, ये फुल स्टॉप हो गया, ये हो गया आपका सेंटेंस एसरेटिव का, ये एक्सक्लेमेटरी का और ये है एसरेटिव का। इसी तरह आप नेक्स्ट को देखिए, तो नेक्स्ट नंबर फार्मूला है वुड दैट, ये जो है इच्छा व्यक्त करता है, ये इच्छा व्यक्त करने वाले कुछ इंटरजेक्शन होते हैं जैसे ओ, इफ, वुड दैट, तो ये सब इच्छा व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शन को हटाकर आपको इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करना है, यानी आई विश दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको आप उसमें एड कर देंगे, कुछ नहीं करना है, यानी यहां हो जाएगा आई विश दैट, ये हो गया आपका वुड दैट के लिए। उसके बाद आई वर हैप्पी, फुल स्टॉप, ये हो गया आपका असरेटिव, ये था एक्सक्लेमेटरी का और ये हो गया असरेटिव सेंटेंस का। अब आप नेक्स्ट को देखें, इसमें थोड़ा कुछ चीजों को एड नहीं किया, जैसे व्हाट ए फॉल, तो व्हाट ए फॉल के बाद यहां होना चाहिए था कोई सब्जेक्ट और वर्ब जो अंडरस्टूड है, जब ऐसा हो तो यहां पर आप इट इज आप जोड़ सकते हैं, यानी लिखा रहेगा व्हाट ए फॉल, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे असरेटिव में तो आपको यह ध्यान देना होगा यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होता है जो छिपा है या अंडरस्टूड है, तो इसको इट इज मान लिया जाता है, तो इट इज को अब आप सब्जेक्ट, क्योंकि आप जब भी व्हाट ए और हाउ वाले वाक्य को बनाएंगे तो व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव होता है, नाउन भी सब्जेक्ट फिर वर्ब होता है, अब नाउन सब्जेक्ट वर्ब कुछ है ही नहीं है तो आपको तो सबसे पहले सब्जेक्ट असरेटिव बनाने समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट नहीं है तो कहां पाएंगे, तो इसमें आपको सेंस से मिल जाएगा यहां सब्जेक्ट इट है और इसको आप ले लेंगे इट इज ए ग्रेट फॉल, यह एक बड़ा झरना, यानी इस तरह से व्हाट ए और हाउ के स्थान पर ग्रेट या वेरी का प्रयोग करते हैं भावानुसार, और ये तीन तरह के फार्मूला यदि आपको पता है तो आप एक्सक्लेमेटरी को एसरेटिव में और एसरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया और आप अपनी एक्सरसाइज में जो है अच्छे से कर पाएंगे या अपनी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसे देखते रहें और अपने